अरे वेलकम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो सब? बढ़िया हो ना? अरे पहचाना नहीं क्या मेरे को चच्चा, या फिर बोल सकते हो फ्लीट एसएमपी के चच्चा, या फिर बोल सकते हो जैक के चच्चा। यार जैक से याद आया, हमको बड़ी उसकी याद आ रही है, बहुत बढ़िया लड़का। खैर छोड़ो, तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे मैंने फ्लीट एसएमपी ज्वाइन किया और फिर क्या क्या हुआ, सब कुछ देखने वाले हैं भाई सब कुछ। लेकिन उससे पहले यार चच्चा के चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, कर दो, वीडियो को लाइक भी कर दो, कमेंट सेक्शन में सेक्शन बोला है मैंने, ढेर सारे कमेंट भी कर देना ठीक है। और हाँ इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लेना, इधर ही कहीं पर आ रहा होगा। अरे नाम इसका है पर चलाता मैं हूँ, इसको मालूम ही नहीं है। पक्का फॉलो कर लेना, नीचे लिंक भी दे दिया डिस्क्रिप्शन में, हाँ भूलना नहीं ठीक है। और अगर इस वीडियो में तुम लोगों ने 10K लाइक कंप्लीट करा दिए ना, तो मैं तुम्हें अपने वर्ल्ड की कहानी ये बताऊंगा कि कैसे वहाँ बार्बी किंग आया और कैसे उसने हमारा प्यारा सा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय कर दिया और फिर मुझे और बल्लू को कैदी बनाया और मेरे को चच्चा बना के अपने साथ ही ले गया। सारा कुछ बताऊंगा लेकिन तभी जब 10K लाइक कंप्लीट होंगे। अरे यार ये साइंटिस्ट को बहुत ज्यादा मन कर रहा है बाहर आने का, क्या करें। ठीक है इसको आने देते हैं बाहर, बहुत देर से हम बैठे हुए हैं, इसको भी लेने देते हैं यार मजे। ठीक है गाइस, ये जगह तो पहचाने के वगैरह कौन सी है? ये जगह वही है जहाँ से मैंने एंट्री की थी, यानी कि चाचा ने एंट्री करी थी। हम लोग वापिस तो आ गए बट हमारा पूरा एंड, अरे कहाँ गए सब? अबे कहाँ देख रहा है भाई, पीछे भी मुड़ के देख लेना एक बार। भगवान कसम कह रहा हूँ, सिक्स्थ सेंस इस बंदे के, मेरे को ऐसा लग रहा है दिमाग का फ्यूज ही उड़ चुका है भाई, पागल हो चुका है ये आदमी। सेज मोड, ये देखो सेज मोड देख लो सारे के सारे, ये देखो छोटा सा टैटपोल निकलता नहीं है, सेज मोड। अरे भाई यार क्या फालतू की बातें करने में बैठे हुए भाई, वो एक विलेजर हमारी मदद कर सकता था, वो भी उठा के। भाई ये बारबेरियन बहुत लंबा गेम खेल रहा है, मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, सोचो उसने बिल्कुल बहुत ही खतरनाक गेम खेला है, क्योंकि उसने एक ही विलेजर था जो इनकी मदद कर सकता था नेदर को सही करने में, उसको भी उसने उठा लिया जिससे मैं जा सकूं और इनकी हेल्प कर सकूं, समझ रहे हो? हमारा पहले पूरा का पूरा नेदर पलट दिया, उसको पता है नेदर से ही हम लोग सिर्फ और सिर्फ जा सकते थे, और उसके बाद उसने जो विलेजर हमारी हेल्प कर सकता था अकेला बंदा, वो उसको भी उठा के ले गया। अब हमारे पास कोई है ही नहीं भाई, ये एक बेवकूफ है जिसको भाई फ्यूचर दिखता है, वो एक है, वो देखो वो बस वो दौड़ते ही रहेगा, उसके पैरों में कभी दर्द ही नहीं हो रहा है, और मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है ना भाई नेदर कैसे सही करते हैं। अबे यार भाई कौन करेगा हमारी मदद, सोचो दिमाग लगाओ, कौन जा कहाँ जा सकते हैं हम लोग, किससे मदद मांग सकते हैं? कोई बात नहीं भाई, मैं आ रहा हूँ चच्चा बन के तुम्हारी मदद करने आ रहा हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हो यार, आ तो रहा हूँ ना। क्या लिख रहा है? लिखनमा शुरू ही की है मैंने। अबे तू पहले लिखना तो सही से लिख ले बकूफ की मी प्र... अभी ये कौन? तड़ा मैं आ गया, अपनी एंट्री हो चुकी है। ये कौन है? अक्का पब्लिक को मालूम है, तेरे को नहीं मालूम? ओ नो भाई, ये वही बंदा है क्या? अबे बारबेरियन किंग का चाचा है? व्हाट? अरे मैं मदद करूंगा तुम्हारी। अबे मदद तो ठीक है लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाई, यहाँ कैसे पहुंच गए? यार सच बोलूं तो मुझे ना सब कुछ इनको बताने का मन कर रहा था कि यार मुझे बारबेरियन किंग ने ही भेजा है, ये सब बारबेरियन किंग का करा धरा है, मैं बोल सकता था, मतलब मैं बहुत ही मन कर रहा था भाई, मैं बुरा आदमी तो हूं नहीं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये बोल देता ना तो बारबेरियन किंग तो मुझे मारता है मारता है, इनको भी मारता था, सब सब कुछ खत्म हो जाता, सब कुछ खत्म हो जाता, तो और शायद से वर्ल्ड बच भी नहीं पाता। अब वो टाइम आता है जब मैं अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता हूँ, अपनी मैजिक का इस्तेमाल करता हूँ। अबे अबे ये क्या आग लगाने के लिए मंगाया था क्या, इतनी मेहनत से लेके आए हम, क्या कर रहे हैं? देखा मैजिक शुरू हो चुका है मैजिक, गाइस मजे करो। अपनी पावर से मैंने नेदर को एकदम ठीक कर दिया था और नेदर के थ्रू होते हुए हम पहुंचे हैं इधर, ये वो रास्ता है जो हमें थर्ड रैलिक तक का पहुंचाएगा। इसके आगे बहुत डेंजरस होने वाला है, काफी ढेर सारी स्टेजेस आने वाले, डिफिकल्टीज आने वाली, मॉन्स्टर आने वाले, मुझे सब मालूम था, मुझे बारबेरियन किंग ने सब बताया था, इसलिए चीज मैं अकेले नहीं कर सकता, इन लोग की जरूरत थी और जैक की तो स्पेशली जरूरत थी भाई, क्योंकि इसमें तीन तीन रस्ते थे यार, तो मुझे कौन बताता कि ये किस रस्ते से जाना है, तो वो जैक ही बताने वाला था, तो मुझे बस कुछ नहीं करना था, पीछे से खड़े होना था और देखना था कि ये कैसे धीरे धीरे से मुझे थर्ड रैलिक तक का पहुंचा देंगे। शाबाश, इसको मिल गई है फ्यूचर देखने की पावर, बेवकूफों की तरह पता नहीं क्या दिमाग। सोच जैक सोच, कौन सा रास्ता जल्दी बता।
यहाँ पे जब जैक बोलता है लग्जरी जेल और वो जेल को देख लेता है कि वो आगे जेल में बंद होने वाले हैं सबके सब, तब ना मेरे को ना यहाँ से थूक मेरा अटक गया था, यहाँ यहाँ पर अटक गया था। मुझे लगा अब जैक ने फ्यूचर देख लिया, मतलब ये लोग समझ जाएंगे कि मैं इनको उल्लू बना रहा हूँ और ये आगे जेल में बंद होने वाले, मेरा भांडा फूटने वाला है मुझे लगा। लेकिन यार मैं चच्चा हूँ यार, इतनी आसानी से हार नहीं मानता, मैंने बात को कैसे कैसे टाल दिया। देखो क्या टाला, तुम्हें बताइए यार, आ जाओ देखते। भैया लग्जरी जेल दिख रही है, वाह। अबे तू दिमाग खराब कुछ भी कर, बोल रहा है लड़का, लगता है घबरा गया है, बार बार जेल ही देख दे रहा है, गलत देख रहा है भाई। तो रास्ता बता क्या, जेल जेल क्या बार लगा रखी बार बार, टाइम बहुत वेस्ट हो गया भाई हमारा, अबे इसको क्या हो रहा है भाई, तुम्हें क्या जेल सुन के तुम्हें क्या ऐसा हो जा रहा है, कब कभी क्या हो? कभी कब कभी नहीं होगी तो क्या होगी भाई, लगभग भांडा फूट ही गया था मेरा, इतना सा रह गया है तो कब कभी तो होनी ही है। बात तो सही है। और ये वो रहा देख हमारा थर्ड और फाइनल रेलिक भाई, टच मैं बता रहा हूँ भाई, अब आए ना मजे असली। करते ही जैसे ये बॉक्स खुलेगा और इनको लगेगा कि ये लेने वाले हैं थर्ड रेलिक, वैसे ही ये लोग जेल के अंदर बंद हो जाएंगे, ऐसे 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 बंद हो जाएंगे। मतलब मुझे बुरा लग रहा था बट अभी मैं ऐसे बता रहा हूं कि ऐसे बंद हो जाएंगे। लेट्स सी क्या ये देखो ये खुला, ये टच व्हाट। किया हाँ और हाँ अबे 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 ये क्या हुआ? व्हाट? अबे अबे रॉनी अबे ये क्या हुआ? अबे ये क्या हो गया? ये क्या, जेल फेल में आ गए हम लोग? दिल से बोल रहा हूँ बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि जेल के अंदर सब बंद हो गए, बुरा लग रहा है सच में, मुझे बहुत बुरा लग रहा ये था। कहाँ आ गए मम्मी, हम? अबे मम्मी क्या, ये कहाँ आ गए? और वो क्या देखा था मैंने, वो क्या रिलिक था भाई, उतना खतरनाक भाई, आई एम अबे प्रीटी डैम भाई श्योर मैंने उसी का सर देखा है भाई मेरा, वाह झूला। ये तो वो ही बात होगी कि ऐसे ऐसे हाथ में खाना आया, मतलब ऐसा निवाला मुंह तक आया और कोई छीन के ले गया और तुमको बंद कर दिया, वही हाल हो गया बेचारों के साथ। थोड़ी दिल से बुरा लगता है यार। देर में होने वाली है मेरी और बारबेरियन किंग की एंट्री, ऐसे ऐसे मतलब मैं ऐसे, मेरा मन नहीं था उसके साथ चलने का बट मैं ऐसे चल रहा था जैसे कि मेरा बहुत ही ज्यादा मन है उसके साथ, या मैं उसका चमचा हूँ ऐसा कुछ, मैं ऐसा दिखा रहा था, ऐसा एक्ट कर रहा था। तो उस एक्ट के लिए भी भाई आलिया होनी चाहिए मिलने। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह हो कसम से। से निकलेंगे कैसे हम लोग अब? वो क्या देखो जूते की आवाज सुन रहे देखो, हो? क्या बोल रहे भाई, ये क्या आवाज है? आ गया, बारबेरियन किंग यार, मुझे क्यों पहले से पता नहीं चला कि यही बंदा होगा पीछे इसके। अरे बड़े ही ना समझो। क्या ना समझे बेवकूफ, हमको क्या छल कपट से भाई, हम लोगों को यहाँ बंद कर दिया, क्या ना समझे मैम? मैंने तुम्हें छल कपट से बंद किया है? तो फिर कैसे करा? तुम यहाँ पे कितने जने हो मुझे जरा गिनती करके बताओ। 1 2 3 है पूरे, क्या बात कर रहे हो? तुम्हारा चौथा बंदा कहाँ चौथा बंदा? देव को तो मैंने वहां भेजा है इसको। अबे एक भाई मिनट, चाचा कहाँ है? अबे चाचा कहाँ है हमारे साथ? ओ नो चाचा कहाँ है? चाचू, अबे ओए अगर तूने हमारे चाचा को कुछ भी करा ना, तेरे को बता दूंगा मैं यहीं पे भी। बहुत बुरा लगा भाई ये तो सुन के, बहुत ही दिल दुख गया मेरा कसम से। मेरे चाचा को कुछ भी किया वो जैक कह रहा चाचू, और मैं अभी बगल से आके अपनी असलियत दिखा जाऊंगा। कि यार मैंने ही तो बंद कराया, मतलब मुझे इतना बुरा लग रहा था ना ये सब सुन के, मेरे को अंदर से बुरा लग रहा था, ऐसा मन कर रहा था इस बार विजय किंग के सिर में डंडा मार दूं उसी टाइम पे, लेकिन डंडे से इसको कुछ होगा भी तो नहीं, तो डंडा मार के फायदा भी क्या है, मतलब इतना प्यार मुझे ये लोग इतना प्यार कर रहे थे और मैंने ही इनको धोखा दिया था। साइड में देखो मेरे को। बच्चों मुझे मिस तो नहीं किया ना? ये सब एक्टिंग कर रहा हूं मैं, मजाक नहीं कर रहा हूं, ये सब एक्टिंग कर रहा हूं। चाचा क्यों है बेटे, कहाँ जाएगा? भाई सचमुच के रिएक्शन भी इससे खतरनाक थे, बहुत ही खतरनाक थे, क्योंकि मैं अपने एकदम मस्त मगन चल रहा हूं, एकदम से करके आवाज आती है ना भाई, अच्छा खासा इंसान ना सोए से जाग जाए। अरे कहाँ जाओगे चाचा जी, हैं लख टुणु टुणु, लख टुणु टुणु है चाचा? मौसम हुआ सुहाना, मैं भी हुआ सुहाना। भाई ये मेरा फेवरेट गाना है लख तुड़क तुड़क, और इन्होंने मेरे को ना
पुरस्ती गाना गाने मजबूर किया और मेरे ना गाना निकल नहीं पा रहा था, आग से आंसू आने को तैयार थे, लग रहा था कि अब तो मैं गया, अब तो मैं गया, और मैं जबरदस्ती ये गाना गा रहा हूँ। तो समझ लो कितनी दिक्कतें हुई होंगी मेरे को। देखो भाई, जब भी फ्लीट एसएमपी के मेंबर्स दिक्कत में आए ना, तब मैंने मदद करी है। अभी देखो फ्लीट भाई के पीछे बारबेरियन किंग हाथ धोके पड़ चुका है, मतलब बैक टू बैक अटैक करे जा रहा है। वो छुपे हुए हैं, उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या करेंगे। तो मैंने बल्लू को पहले ही भेज दिया था कि भाई फ्लीट भाई की मदद कर देना है। और बल्लू मेरा फ्रेंड है, जिसको नहीं मालूम, जिगरी यार है मेरा, मेरे गांव से है वो, तो मालूम ही होगा यार। तो अभी बल्लू आने ही वाला है। कैसे करूं मैं यहां पर, मैं जिंदगी भर थोड़ी ना यहां पे बैठ के ये कर सकता हूं भाई। ओए ओए यू कौन है, ओए पीछे पीछे, अबे ये कौन है भाई, उसके साथ है क्या, मार दूंगा यहीं पे भी, पीछे हो जा। नहीं अबे कौन है ये भाई, भेजा भी किसने, मैंने भेजा भाई, चच्चा ने भेजा था। और बल्लू यहाँ से फ्लीट भाई को सेफली ले जा लेगा बारबेरियन किंग से बचा कर। देखा तुम्हारा भाई कितना तगड़ा है भाई, बिना वहां पे हुए भी मदद कर देता हूँ मैं, यही तो मेरी बात है। अब वो समय आ गया है जहां पे बल्लू मुझे लेके आता है और मैं बताता हूँ इनको कि मैं अच्छा हूँ, मैं अपनी सफाई देता हूँ उनको, बताता हूँ कि मैंने कितनी हेल्प करी है। और ये लोग तो मेरी मतलब एक पहली बारी में सुनते ही नहीं है, मतलब इतनी मदद मैंने करी और ये पहली बारी में मेरी कोई नहीं सुनेगा। ज्यादा देख के चलना पड़ेगा भाई, अब इसको कैसे इस्तेमाल करें भाई, हम लोग के पास लिटरली जीरो आइडिया भाई, जिस चीज को हम छू, ये देखो जिस चीज को हम छू भी नहीं पा रहे। ओए जा हट, इसका काटते हट, हट पीछे हट, ओए हट जा हट जा, मैं तुझे भी मार दूंगा बल्लू, हट जा ऐसे बल्लू। बल्लू मेरे सच्चा प्यार करता है भाई, देख रहे हो मेरा भाई मुझे कितना प्यार करता है। फ्लीट भाई ने बोला भी इसे काटता हूँ, हट जाओ ना, तेरे को भी काट दूंगा, लेकिन बल्लू हटा नहीं। बल्लू प्यार करता है भाई, देख रहे हो बल्लू का प्यार, मतलब तलवार के वार से भी नहीं डर रहा है, बोल रहा है नहीं मारने नहीं दूंगा अपने भाई को, बल्लू इसी बात के लिए एक पाले चीज दूंगा तेरे को, लव यू ब्रदर, लव यू। बल्लू बेटा हट जा, मैं इसको खत्म कर दूंगा, चाचू तेरे, चाचू तेरे को भी काटूंगा, तेरे चाचू के साथ रुक जा। जैक मेरा सच्चा भतीजा है, देख रहे हो चाचू, चाचू एक वो भी है जो मेरी मदद करना चाहता है, वो मेरे पे यकीन कर रहा है, लव यू जैक, लव यू। अबे एक मिनट तुझे बता दूंगा अच्छे से, यहाँ इसने जितना परेशान कर रखा है। मैं गलत आदमी नहीं हूँ, मैं सही आदमी, रुक जाओ, अरे रुको रुको एक मिनट रुक जाओ, मैंने तुम्हारी कितनी मदद करी तुम्हें मालूम भी है, इसने हमारी मदद करी, देखो सारे इसने करी है मदद हमारी, भाई भाई मदद, अच्छा क्या मदद करी है भाई, क्या क्या मदद करी है, एक मिनट पहले जरा बैठ जाता हूँ, तुम चढ़ रहे हो मेरे पे, रुक जाओ एक एक मिनट आता हूँ। सबसे पहले तुम्हारे दोस्तों को जेल से किसने निकाला, मैंने निकाला, कुछ बताया तुमको, और सबसे इम्पोर्टेंट नेदर से थर्ड रैली का रास्ता किसने, किसने, मैंने, और एक मिनट ये मेरा बल्लू बेटे को किसने भेजा, मैंने, और अभी सबसे ज्यादा खतरनाक जरूरी चीज जो तुम्हें मैंने टाइम खरीद के दिया है, जिससे तुम अंदर आके बच गए हो, ये जान बची है तुम्हारी, ये भी मैंने किया है, बोलते हो किसने करी। ये वो टाइम है जब मैं अपने पुराने साइंटिस्ट वाले रूप में आने वाला हूँ, उसके लिए भाई फ्लीट भाई ने और एसएमपी के सारे मेंबर ने बहुत मेहनत करी है, मेरे इविल माइंड के अंदर जाके मुझे वहां से बचा के लाए और मुझे वापस साइंटिस्ट बना दिया भाई, थैंक यू सो मच भाई उस चीज के लिए, मैं ये सच में कभी नहीं बोलूंगा। और हाँ, मुझे फ्लीट एसएमपी में एक्सेप्ट करने के लिए भी थैंक यू सो मच। चलो आओ देखते व्हाट ये कैसे हो गया भाई। तो ये थी वो मेरी कहानी कि कैसे मैंने फ्लीट एसएमपी ज्वाइन करी और कैसे मैं फ्लीट एसएमपी का नया मेंबर बन गया। तो होप आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो पता ना गाइस क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि कैसी लगी ये वीडियो, और अगर कोई सजेशन है अगली वीडियो के लिए तो वो भी जरूर बता देना। और हाँ, चचा की बात बिल्कुल मत भूलना, चचा जो बोलते हैं वो करते हैं, 10K वाला बोल रहा हूँ। तो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, लव यू ऑल।